उत्तराखंड की देहरादून में, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के स्मार्ट सिटी का ढकोसला मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ। ये मैं आई हूँ, म्यूनिसिपल रोड पे हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं चलती हुई रोड है ये, ईसी रोड। और इस ईसी रोड, अरे देखिए तमाम गाड़ियों में बहुत कुछ ये खोबरा चिपका हुआ है, मगर अब ये देखिए कि यहाँ पर ये जो वाटर एटीएम, पहली बात तो स्मार्ट सिटी वालों, ये पता है आपको कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है एनी टाइम मनी। तो अगर वाटर एनी टाइम मनी का क्या मतलब हुआ, कुछ नया ही सोच लेते, मतलब पता चलता है कि कितने पढ़े लिखे ये लोग हैं। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है एक वाटर एटीएम, और इस वाटर एटीएम का सच ये है कि इसमें अगर आपको पानी पीना है तो इसमें बड़े सारे रेट्स दे रखे, दिखाऊँ आपको रेट्स। ये देखिए रेट्स, ये है दर सूची, डिस्पेंसर के सामने एक रुपया लाइन में रहे लिखा है, और मात्रा 300 ml बिना ग्लास के एक रुपए, 300 ml ग्लास के साथ दो रुपए, मतलब एक रुपए का ग्लास, एक लीटर बिना पात्र, बिना बर्तन के, बिना बोतल के तीन रुपए, और 5 लीटर बिना पात्र, बिना बोतल के 14 रुपए। मतलब कि अगर पानी आपको चाहिए और यहाँ पर पानी मिल रहा हो तो आप घर ले जाइए, यही तो मतलब हुआ। वरना एक लीटर बिना बर्तन के अगर आपने ले जाना होगा तो कैसे लेकर जाएंगे, ये आपको सोचना है। मगर अब मज़ेदार चीज़ देखिए, ये पैसे की बर्बादी है। स्मार्ट वाटर एटीएम द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति, और ये ध्यान से देखिए, देहरादून स्मार्ट सिटी, ग्रीन सेफ हेल्दी, डाइकी एक्सेस इंडिया, इधर लिखा है अर्थ वाटर। ये मशीन ऑटो मोड में चल रही है, एक रुपए के सिक्के से आप स्वयं पानी ले सकते हैं। तो एक रुपए के सिक्के से आप पानी क्या हाथ लगा के पियेंगे, और दो रुपए देंगे तो ग्लास भी देगा कोई, मगर ग्लास कौन देगा जब यहाँ पे कोई है ही नहीं। ये देखिए क्या लिखा है, शीघ्र जरूरत है लड़के और लड़कियों की, सेल्स ऑपरेटर के लिए वाटर एटीएम मशीन पर संपर्क करें, पीएन राय ब्ला ब्ला। अब इसका मतलब ये है कि ये मशीन तो लगा दी गई है और इसका काम कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो पुराने ज़माने की जो पानी की नल होते थे वही ज़्यादा फायदे की होती थी, है ना? आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे लड़का कब कब रहता है? अच्छा, महीने महीने में आता है। अरे तो आपने मतलब पानी पिया है? पिया है जब वो रहता है, और जो पानी रह जाता है अगर वो आएगा अभी तो इसमें कुछ पानी होगा, यानी कि पुराना हो गया। हाँ, तो यानी कि पुराना जमा पानी जो फिल्टर होके निकल के आएगा वही तो दिया जाएगा। तो जो घर में है, हमारे देहरादून में तो मिनरल वाटर वैसे ही आता है ना? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का ये जो है, ये है ढकोसला भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार का। शुद्ध पानी के लाभ बता रहे हैं, जैसे कि पता नहीं है लोगों को, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, जोड़ों और मांसपेशियों के लिए, पाचन कब्ज में लाभकारी। अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि इस, ये जो डब्बा आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे लगा के केवल इस जगह की बर्बादी हुई है, क्योंकि इस जगह पर ना तो कोई बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये दरवाज़ा है, इस पर ताला लगा है, तो कोई बंदा इसके अंदर से जाता होगा, इसके अंदर बैठता होगा, तभी इतना पानी मिलेगा। अगर मैं अपने गाड़ी में एक ग्लास ना लाऊं तो क्या मैं पानी पी सकती हूँ यहाँ का? नहीं पी सकती। तो ये सच है भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का। ऊपर इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ये लगा रखा है, तो ये एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ लगा दी है, और फिल्टर हो गया तो साफ हो गया, बिल्कुल, हाँ फिल्टर हो गया तो साफ हो गया, यानी कि आपके घर में फिल्टर नहीं है, यानी कि जो पानी यहाँ पे मिलता है वो आप पियेंगे जबकि ये खुला ही नहीं कई दिनों से, यानी कि उसमें जो कीटाणु है वो फिल्टर होके निकल गए। यहाँ के पानी का आज पानी नहीं है तो दिखाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब पानी होता तब मैं आपको दिखाऊंगी भी दोबारा आके
कि पानी का रंग तक बदल जाता है यहाँ पे। इससे आसपास के दुकान वाले जो कैमरे पे आके बोलने से ऑब्वियसली डरेंगे, उनका ये कहना है कि पानी का रंग बदल जाता है यहाँ पर। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने बड़े बड़े कांड किए हैं भाजपा की प्रचंड बहुमत की तीन मुख्यमंत्रियों वाली सरकार ने। वैसे तीन मुख्यमंत्री क्यों बदले, ये तो भाजपा की सरकार को बताना ही चाहिए। तीन मुख्यमंत्री बदले आखिर क्यों, सरकार बताए। और ये जो पैसा है, ये जो एटीएम में लगा है, आखिर इसका फायदा किसको हो रहा है, ये कौन बताएगा? सरकार को बताना पड़ेगा। और खास करके स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के लिए तो एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही खड़ा कर दिया गया। आपको बताना पड़ेगा कि आखिर ये जितने एटीएम आपने लगाए हैं, इसमें से कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, इसका ऑडिट करवाइए और ये बताइए कि कितना पानी इसमें से लोगों ने पिया, कितने आपने पैसे कमाए और इसका कितना फायदा हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पे एक बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार का। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों के अंदर हिम्मत भी आए कि वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सके और वो लोगों को सच दिखा सके, वो अपनी बात को रख सके और सरकार के विरुद्ध बोल सके। ये सरकार चाहती है कि आप चुप रहे, ये कमाएंगे पैसे। और जो मेयर हैं जैसे देहरादून के, उन्होंने तो ऐसे कांड कर रखे हैं कि अपने बेटे को बड़ी बड़े ज़मीन सस्ते दामों पे पट्टों पे दिलवा दी है, अपनी पत्नी को नौकरी, अपने घर वालों को नौकरी, यही सब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड बहुमत की सरकार में। और जगह जगह पे जो पेट्रोल पंप पे तस्वीरें लगी हुई हैं मोदी जी की, अगली बात उसके बारे में बात करेंगे, वो हटा दिए जाने चाहिए क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर पेट्रोल पंप पे दिखता है तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक सच के साथ, इस सरकार की सच्चाई को दिखाने के लिए दिखाते हुए। और आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इस सरकार की सच्चाई लोगों के सामने आए। और भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, मगर ऐसी हालत करके इनको भेजा जाए कि ये समझें कि जो शक्ति इन्हें दी गई थी उसका दुरुपयोग किया है। तो हम जागरूक लोग हैं और इनके विरुद्ध खड़े हैं। जो अपेक्षाएं इनसे हुई थी, अगर उन पर ये खड़े नहीं उतरे, अगर भ्रष्टाचार इन्होंने किया तो जनता माफ नहीं करेगी। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन मुख्यमंत्री क्यों दिए? और दूसरा सवाल, सवा लाख करोड़ का जो निवेश आना था, MOU साइन हुए थे, वो पैसा राज्य के पास कब आएगा? और आखिरी में दोबारा से आपको ये वाटर ATM दिखा रही हूँ और मांग कर रही हूँ इस सरकार से कि ऑडिट करके बताए कि जितने ये वाटर ATMs आपने लगाए हैं, इनमें से कितनी अर्निंग हुई है सरकार की वाटर ATM से, ना कि इन एडवर्टाइजमेंट से। ये बताए सरकार कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं बैठा होता। अगर आपने स्मार्ट सिटी में अच्छी तरह काम करके कोई वाटर ATM लगाया है तो क्या उसके अंदर जिसको बैठकर ग्लास देना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से इसका यूज़ होना चाहिए, डिस्पेंसर को यूज़ करने में कोई दिक्कत आए वो ना हो, उसके लिए जो लोगों को बैठाना है वो क्यों नहीं बैठे? दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।